एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहा है। मैं अभी किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाते के साथ साथ मैं सोना का खाना भी बनाऊंगी और मैं दूध गर्म करके रखी थी उसको मैं फ्रिज में जाकर रख दूंगी। ठंडा हो गया है तो वो मैं फ्रिज में रख दूंगी और जो एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था उसका मैं चाय बना लूंगी। एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी हूँ, दूसरे तरफ मैं सोना का खाना बना रही हूँ। अभी मैं उसको दूध और ओट्स खिलाऊंगी, तो मैं दूध में ओट्स फुला दे रही हूँ और जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको खिला दूंगी, तब तक चाय भी बन जाएगा। मैं चाय में इलायची डालूंगी, अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अदरक ख़त्म हो गया है। तो अभी तो इलायची वाला चाय पी रही हूँ कुछ दिनों से। जब सब्जी लेने के लिए जाएँगे तो अदरक भी लाने के लिए मैं बोल दूँगी, तो अदरक वाला चाय बनाऊँगी। अदरक वाला चाय बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा लगता है। दोनों गैस चूल्हा पर कुछ ना कुछ बन रहा है तो मैं लंच बॉक्स को निकाल ले रही हूँ। ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो मैं लंच बॉक्स को निकाल कर बेसिन में रख दे रही हूँ और लंच बॉक्स कवर मैं धो दूँगी, क्योंकि मैं जूठा इधर उधर नहीं रखती हूँ और डेली ले जाना रहता है। तो जैसे ही ये आते हैं मैं लंच बॉक्स के साथ साथ इस बैग को भी धो देती हूँ। तो मैं बैग को धो कर बाहर रख दे रही हूँ और सोना का खाना भी बन गया है तो मैं इसको फ़ैन के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और पापा का चाय भी बन गया है तो मैं पहले पापा को चाय दे ले रही हूँ, उसके बाद मैं चाय में चीनी डालूँगी। अब चीनी वाला भी चाय बन गया है तो मैं चाय को छान ले रही हूँ और इनको भी दे दूँगी और मैं भी चाय पीने के लिए चल जाऊँगी। चाय पीने से पहले मैं सब्ज़ी को निकाल लूँगी। जो सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ उस सब्ज़ी को फ्रिज से निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि आज मैं पहले से सोच के रखी हूँ कि क्या बनाऊँगी, तो उस सब्ज़ी को निकाल कर रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं चाय पीने के लिए जाऊँगी। चाय पीने के बाद मैं छत पर थोड़ा सा घूमने के लिए आई हूँ, क्योंकि आजकल बाहर नहीं घूमने के लिए जा रही हूँ तो छत ही पर घूम लेती हूँ। और पापा और ये भी बाहर घूमने के लिए गए हैं तो सोना को नहीं लेके गए थे, क्योंकि इसको ज़्यादा दूर ले जाना ठीक भी नहीं था, इसलिए वो घूमने के लिए नहीं गया। तो रो रहा था तो मैं इसको छत पर ले आई घुमाने के लिए, ताकि ये रोए भी ना और घूम भी ले, क्योंकि छत पर आकर भी ये खुश हो जाता है और खेलता है। तो मैं इसको यहाँ ले आई और मैं भी घूम लूंगी, ये भी घूम लेगा। छत पर घुमा हुआ हो गया तो मैं नीचे लेके जा रही हूँ उसको। मैं नीचे लेके जाऊंगी तो काम भी करना है, क्योंकि ज़्यादा देर छत पर घूम भी नहीं सकती हूँ। छत पर अच्छा लग रहा था पर ज़्यादा देर तो घूम नहीं सकती हूँ, इसलिए इसको नीचे लेकर आ गई। और नीचे लेकर आ गई तो ये नीचे जाने के लिए उतरने लगा, क्योंकि पापा लोग को जाते देखा था तो नीचे उतर जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर गेट को बंद करके रखती हूँ। जब इसको अंदर लाई तो मैं इसको तेल लगाने के लिए बैठ गई। पहले मैं इसको तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। इसको तेल लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा फुसलाई, इसके साथ खेली, ताकि अच्छे से तेल लगवा ले। ऐसा नहीं करने पे वो जल्दी तेल लगवाता नहीं है, रोने लगता है, इसलिए इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं अभी डिनर बनाऊंगी। डिनर में सिर्फ भुजिया रोटी बनाना है, क्योंकि सुबह का सब्जी है, सुबह राजमा बनाई थी तो बचा हुआ सब्जी है वही अभी चल जाएगा। तो एक्स्ट्रा में मैं भुजिया बना ले रही हूँ।
जिसको सब्जी नहीं खाना रहेगा या सिर्फ भुजिया रोटी ही खाना रहेगा, तो आलू और पटल का भुजिया है, मैं काट कर रख ली थी तो मैं अभी बना ले रही हूँ। भुजिया बनाने के लिए मैं पहले पटल को फ्राई करूंगी, थोड़ा पटल फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आलू डालूंगी। और पटल डालने के बाद मैं जितने भी चाय वाले बर्तन थे, बेसिन में पड़ा हुआ बर्तन था, वो सबको धो ली। उसको धोने के बाद अब मैं ढककर इसको थोड़ा देर पकाऊंगी। और जितने भी धुले हुए बर्तन हैं वो सारे बर्तन को मैं स्टैंड से हटा दे रही हूँ, और कप मैं यहाँ सेल्फ पे रखी थी उसको भी मैं सेल्फ पर रख दे रही हूँ। और फिर मैं बोतल में पानी भर दूँगी, क्योंकि बोतल में पानी ख़त्म हो गया है तो मैं उसको भर दे रही हूँ। और इधर खाना भी बन रहा है तो मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करना है वो कर लूँगी, क्योंकि अभी इन लोग हैं नहीं, सिर्फ रोटी बनाना है, भुजिया तो मैं बना ही रही हूँ तो एक्स्ट्रा काम भी कर ले रही हूँ। जैसे मैं तेल वाला डब्बा में तेल डाल ले रही हूँ, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था रिफाइंड, तो इसको मैं धो ली थी तो इसमें रिफाइंड नहीं की थी, तो अभी मैं रिफाइंड डाल ले रही हूँ। रिफाइंड वाले डब्बे में रिफाइंड करने के बाद इसको मैं बाहर बाहर से पोंछ लूँगी किचन वाले कपड़े से, क्योंकि हल्का फुल्का इसके ऊपर तेल गिर गया था, तो उसको मैं पोंछ ले रही हूँ और फिर इसको रख दूँगी। और बीच बीच में मैं भुजिया को भी चला रही हूँ। पटल भी थोड़ा फ्राई हो गया था तो मैं उसमें आलू डालकर फ्राई कर रही हूँ। अब मैं आटा वाले डब्बा में आटा को कर ले रही हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं उस डब्बे को धो ली। और डब्बा में आटा रखने से पहले मैं डब्बा को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि सोना इसके साथ खेल रहा था, इसमें टमाटर भी रख दिया था, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें आटा रखूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और पसंद आया हो तो एक लाइक श्योर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब श्योर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती रहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आटा रखा हुआ हो गया है तो मैं आटा के डब्बा को बंद करके हल्का सा हिला ले रही हूँ ताकि आटा उसमें सेट हो जाए। और जो भी आटा वाला बैग है मैं उसको अच्छे से मोड़ ले रही हूँ, कल का ये गार्बेज बैग हो जाएगा, इसी में मैं डस्टबिन बना दूँगी, कल के लिए इसको मैं तैयार कर ले रही हूँ। और आटा कालीन पर गिर गया है तो उसको मैं बाहर जा कर अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर बिछा दूँगी। पटल और आलू दोनों फ्राई हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ, और मसाला डालने के बाद इसको मैं फिर से ढककर पकाऊंगी और मैं आटा को गूंथ लूँगी। अभी रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इन लोग को आने में टाइम है, तो उसी टाइम में रोटी बनाऊंगी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ, आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, धन्यवाद।